भाई जान ये चेक करो जरा, ये है कि आपको क्या नजर आ रहे हैं, सूंडियां हैं, मील वॉर्म्स हैं सारे, और ये किसली हैं, ये हैं क्रॉसोस के लिए, फ्रीजेंट्स के लिए। माशाल्लाह वाजी वाह, चेक करो जरा कैसे मील वॉर्म्स खा रहे हैं। देखो मेरा नाम हसन है, आप लोग देख रहे हैं HSN एंटरटेनमेंट। यार आज क्या है, ये देखें मील वॉर्म वगैरह यहाँ पर इनको डाल रहे हैं, यहाँ पर येलो नॉब क्रॉसो और यहाँ पर हेलमेटेड क्रॉसो इनको डालने लगे। लेकिन कैसे हैं, ठीक हैं? सॉरी मैं आपको एक्साइटमेंट में भूल गया, तो किनको पहले फ्रीजेंट्स को डालें? हम सारे फ्रीजेंट्स को देंगे, उसके बाद चकोर को देते हैं। अच्छा भाई बात सुने कि जितना भी माल है मिल जाएगा ना, किसी को चाहिए हो स्टॉक में, बल्क में, बच्चा चाहिए हो, बड़ा चाहिए हो, छोटा चाहिए हो, आपको वीडियो के एंड पे बताएंगे कि क्या क्या माल कौन सा मिल सकता है। ईद के बाद कुछ पैरेट्स भी आ रहे हैं। ओहो क्या बात है, बताएंगे इंशाल्लाह। तो यार वीडियो फुल देखो, वीडियो के अंदर जो जो चीजें दिखाएंगे सारी चीजें आप दोस्तों के लिए सब कुछ मिल जाएगा, आपको जो भी चाहिए होगा ना, मतलब कुत्ता बिल्ली शेर हाथी बंदर, मतलब ये चीजें हैं नहीं, ग्राउंड बर्ड्स के अंदर सब कुछ आपको मिल जाएगा। जनाब सर मुर्शिद खोलें जरा, ये अभी कौन से हैं फ्रीजेंट्स, कौन से हैं? रेड गोल्डन, रेड गोल्डन है ये, माशाल्लाह ये देखिएगा, इनको हम डालेंगे। अंडे कुछ ज्यादा नहीं दे दिए इन्होंने, ये देखिए माशाल्लाह जी माशाल्लाह वाजी वाह, चेक करो जरा कैसे मेलवॉर्म्स खा रहे हैं इनको। हसन भाई लोगों ने सिर्फ बेचने का पर्पस बनाया हुआ है, ये बेचने के लिए नहीं है, असल में ये इनका पर्पस जो है आपकी ब्रीडिंग पर्पस के लिए बहुत अच्छे हैं। आप ब्रीडिंग करवा, आप बेच भी लेंगे? नहीं मैं अभी नहीं इनको दे रहा, मैं तो अपने ये फार्म के लिए रख रहा था और अपने फार्म की जरूरत को पूरी कर रहा हूँ। लोगों को मैं आइडिया नहीं देता कि इसको बेचे, इसको बेचना नहीं चाहिए, इससे फार्मिंग करें, इसके जो आपके परिंदे की न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो इससे पूरी होती है, तो ये करना चाहिए। लोग इससे मतलब अभी समझ नहीं रहे, लोग समझते हैं ये बहुत महंगा है। खावे सारा जी जी माशाल्लाह सारा खावे, इतना सारा डाला है, मतलब बाजरा इतना फिर डालते हैं ना जी जी, इतने सारे डाले हैं, सारे के सारे खा गए माशाल्लाह से। इसमें हसन भाई जो आपका फायदा होता है ना, आपको फीड बहुत महंगी पड़ती है और इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी नहीं होती, मगर इससे दाना तो बहुत भाई महंगा हो गया है। परिंदे की न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी होती है, आपका परिंदा अच्छे से अच्छी ब्रीड करता है। मैं आपको इसका एग दिखाऊंगा, लोगों का अंडा देखें आप, फीजन का लोगों का, लोगों ने रखे हुए हैं उनके, फीजन का आप अंडा देखेंगे वो छोटा छोटा होगा, उसका जो एग का शेल होगा वो भी कमजोर होगा। मैं आपको अंडा दिखाऊंगा लेडी एमरेस्ट का ना, अभी वो इतना बड़ा अंडा होगा, उसका बच्चे मिलने शुरू हो गए कि नहीं? अभी अभी एग्स का सीजन है, एग अभी आएंगे तो इंशाल्लाह ताला, अभी चकोर के बच्चे आएंगे हमसे, आपको चकोर मिलेंगे। चकोर तो शौक रहे हैं, इनकी तरफ ही चकोर तो दिखाएं जरा अपने, चकोर को पहले डाले चले, पहले चकोर की तरफ चलते हैं, चकोर वगैरह दिखाते हैं आपको, लेडी एमरेस्ट दिखाते हैं, ग्रे पीकॉक दिखाते हैं, पहलवान दिखाते हैं, सारा कुछ अभी आपको दिखाया जाएगा, थोड़ा सब्र करें, सबके बच्चे मिलेंगे भाई। ये तो भाई अपने अपना लव है, मैंने सुना बड़ा महंगा हो गया, 40-50 का हो गया ये, ऐसे ही है क्या? ये महंगे है अभी ना, ये अमेरिकन साइज है, इसमें दो तरह के साइज होते हैं, एक सस्ता है, बड़ी मार्केट हो गई, ये मिल जाएंगे जी जी क्यों नहीं, ये किसी ये ईद के बाद आपको ये किसी दोस्त को चाहिए हो तो ये मिल जाएंगे आपको, अच्छे जी इनके बच्चे मिल जाएंगे, मुझे आइडिया नहीं था इस चीज का। अंडे आ रहे हैं जी जी, ये बहुत अच्छा मतलब कि ये चीज है, इसमें कोई असली अंडा भी है कि सारे फेक पड़े हुए हैं? ये फेक है, जो इनका अंडा आता है ना वो मैं उसको पिक करता हूँ, पिक करके उसे कमरे में ले जाता हूँ जहाँ पे उसका टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन होती है, फिर वहाँ से हम मतलब इनको बेटर में शिफ्ट करते हैं। कीड़े किस तरह देते हैं मील वॉर्म्स? ये 30 रुपीज का ना एक इसका पीस है, मैं वही आपको बता, ये मतलब बड़ा के छोटा इसमें आपको मिलेंगे, मतलब ये वाले की बात कर रहे हैं, यही वाले कोई महीने के अंदर 15 दिन में ये प्यूपा में कन्वर्ट होते हैं, वो मैं आपको सारा दिखाता हूँ ब्रीडर, वो हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, पहले आज आपके ये बर्ड्स दिखा दें। जो एक मील वॉर्म है वो आपको कम से कम ना मतलब जो बीटल में कन्वर्ट होता है, फिर आपको मतलब वो 300 एग्स देता है, 300 हम उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो समझा के बनाएंगे। अभी और दिखाएंगे, और चकोर कहाँ पे है, वो आपके पास पड़े थे बड़े वाले चकोर, वो कहाँ पे है वो दिखाएं, मस्कती शौक करवाते हैं, बड़े 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 चकोर होते हैं, हम भी रखेंगे इंशाल्लाह ताला कभी ना कभी, बल्कि ब्रीड है कि यार मुझे बच्चे देने हैं मस्कदी के, मुझे याद आया। ये देखें यहाँ पर सारे के सारे आपको फ्रीजेंट्स नजर आ रहे हैं, भरे पड़े हैं, अंदर कमरों में भी फ्रीजेंट्स हैं, और वो एक फ्रीजेंट आपको जोड़ा नजर आ रहा है वहाँ पे, नीला और पीला, वो सदाम और वो बैठे हुए हैं, शेबी बैठे हुए हैं, तब हम कमरे में जा रहे हैं और जाके आपको दिखा रहे हैं मस्कती चकोर, मस्कती चकोर भाई इनका साइज चेक करो, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मुर्गी मुर्गी जितने है ना। अच्छा वीडियो में ना लगता नहीं उनकी बॉडी शेप इस तरह की है कि छोटे लगते हैं, पर है नहीं, इसका जैसे एग्जीबिशन तोते होते हैं ना इसी तरह इसमें भी साइज होते हैं, मतलब कुछ लोग लालची लोग, मतलब लालची कहना नहीं चाहिए, इन सेंस लालची तब है जैसे कि आपको एक चीज 60,000 रुपए की मिलती है तो कोई बंदा उसको 50 में दे रहा होता है, वो ये साइज पे कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, उन्हें छोटे साइज होते हैं, क्वालिटी के है, वो इनकी टांग जितना होता है ना
वो छोटे होते हैं ना, मतलब इसके अंदर आप लोगों को पैसा नहीं देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए क्वालिटी किस चीज की है भाई। ये बहुत बड़ा साइज है। अच्छा ये लाइव देख के साइज सही पता चल सकता है? ऐसे नहीं पता चल सकता इसका साइज, ऐसे छोटे लगते हैं वीडियो में। क्राउन पिजन देखे हैं वो वीडियो में नहीं पता चलते। हाँ वो असल में कितने बड़े बड़े हैं, असल में बहुत बड़े हैं वो, वीडियो में इतने इतने से लग रहे हैं वो, असल में मुर्गी से भी बड़े हैं। अल्लाह ताला हमारे फार्म से विक्टोरियन क्राउन पिजन भी मिलेंगे। कब मिलेंगे ये? आप ईद के बाद, ये जरा ईद गुजार लगता है बड़ी शिपमेंट का आ रही है इंशाल्लाह। डाउट हो रहा है थोड़ा आपको इंशाल्लाह देंगे हम। आपके भाई की और आप लोगों की भी फेवरेट खाली आपके भाई की नहीं, क्रफ्टेड गिनी फाउल। कहाँ गए बाकी 20 भाई, क्या की है जी अभी? किधर गए? दे दिए माल गया मैंने जो माल था, अभी कुछ पीस है ये भी चले जाने हैं, नया माल आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। खोले जरा ये क्रफ्टेड का शौक करवाएं। पहले तो आप कह रहे थे मैंने देने नहीं है, देने नहीं है, देने नहीं लगता लोग छीन। आप मेरी पिछली वीडियो जाके देखें, सारे पिंजरे भरे हुए हैं, पिंजरों के अंदर इतना इतना माल है कि आपको मजा आएगा। पूरा शिपमेंट के मुकाबले में डबल माल पड़ा है। ये क्रस्टेड गिनी फाउल का पीस है। अच्छा ये मुझे कोई नए पीस लग रहे हैं जी जी, ये भी पेयर है। चेक करें जरा इसके सर के ऊपर क्रस्ट, चेक करें पूरा एक आदमी जैसा इसके सर पे बाल है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही क्वालिटी के अंदर। इनके बच्चे कब देंगे आप इंशाल्लाह? इनके बच्चे ना हसन भाई थोड़ा लेट शुरू होते हैं यार। एक काम करें ना, इसके साथ लोकल अपना देसी गिनी फाउल लगा के कुछ म्यूटेशन निकालें ना। क्यों नहीं निकालते? इसको खराब नहीं कर सकते। नहीं मतलब दो पीस छोड़ के चले, इस तरह कर सकते, एक्सपेरिमेंट कर सकते, म्यूटेशन निकालें, कोई म्यूटेशन तो बनाएं, म्यूटेशन कर सकते। अच्छा एक काम चीज दिखाते हैं मजेदार, उससे पहले दिखाते हैं येलो नॉब क्रॉसो का यहाँ पे पेयर पड़ा हुआ है। और मैं बताता चलूं कि भाई ये फुल फ्लाई के अंदर होता है, बड़ी खूबसूरत चीज होती है। तो यहाँ पर ये फीमेल इसकी खड़ी हुई है, पर फीमेल की येलो नॉब नहीं होती है, पता नहीं क्या रीजन है। इसके जैसे इलेक्ट्रस पैरेट देखा है, उसमें कलर चेंज होता है, मतलब हाँ 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 डन हो गया, समझ गया। इसी तरह इसमें भी। ओके आगे क्या आ गया भाई, देखो तो सही आप लोगों के लिए। वेल चुराइन, ओ यार ये इतने सारे मंगवा लिए आपने माशाल्लाह जी जी। कितने भी एक्स्ट्रा मंगवाए हैं अभी आपने? वेल चुराइन दिखाते हैं एक सेकंड, कितने मंगवाए हैं ये? ये अभी फिर मैंने मंगवाए थे दो तीन पेयर इसी तरह, मतलब बारी बारी आते हैं तो फिर वो जो सही है यार सही जा रहे हैं आप। अभी दिखाते हैं आपको, इन्होंने काफी सारे पेयर मंगवा लिए हैं। तो ये देखें जी वेल चुराइन आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे तीन पीस, ये तीन ही रह गए अब जी जी। ये भी चले, ये नया क्या पुराने वाला है? कुछ माल चला गया था अभी, ये फिर आया था, ये तीन पीस फिर चले जाने, एक दोस्त से मांगे उनकी। सही है। अच्छा ये क्रॉसो के अंदर एक और पेयर आ गया, क्रॉसो में एक और अल्हम्दुलिल्लाह पेयर आ गया यहाँ पे। अच्छा ये वाला साइज भाई पिछले वाले से काफी बड़ा है जी जी, वो पहले बाहर वाले बड़े पड़े थे आपके पास। ये ये फीमेल है इसमें? हाँ जी ब्लैक वाली फीमेल है। यार इनके साइज माशाल्लाह बहुत बड़े हैं भाई माशाल्लाह। ये कहाँ से लिए आपने? ये इम्पोर्ट है? ये इम्पोर्ट करवाए हैं या पहले वाले बच्चे थे? नहीं नहीं ये इंपोर्ट करवाए हैं। वो बच्चे जो थे, वो बच्चा था, बच्चा किधर गया? साइज वो दे दिया, दे दिया वो दोस्त लेके गया आपका। सही है यार, लेकिन मैं आपको बताऊं पर्सनली कि जो मैंने आपके पहले क्रॉसो देखे थे ना वो इसे छोटे थे जी जी, बिल्कुल ये साइज में बड़े हैं माशाल्लाह से। ये फीमेल बहुत ही बड़ी लग रही है। अच्छा ये हेलमेटेड जो है फुल ब्लैक के अंदर, ये तो मुझे पुराना ही लग रहा है कि नया? ये ब्रीडर पेयर है, ये मैंने अपने शॉप के लिए रखा हुआ है, ये नहीं बस दिया बाकी सब। ये ओल्ड है ना जी जी, ये ओल्ड है। ये देखें जी, वैसे अब ये मिल जाएगा कि नहीं? कबूतर फैंसी इतने सारे वो नस्ली वाले कबूतर, वो दिखाता हूँ आपको। एक मिनट इसको पहले बंद करते हैं ना, इसको बंद करते हैं। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है ये एक मेल चढ़ा कुमारा, ये जाना जी एक दोस्त को चाहिए था, ये अभी है के दे दी है। अच्छा ये मेल मेरा मशवरा था कि अगर हम लगाते हैं ना उसके साथ लोकल गिनी फाउल के साथ तो हमें कोई रिजल्ट मिलना था। ब्रीड तो करेगा करेगा ये इंशाल्लाह, इसके बच्चे लेंगे मगर आपके लिए वो भी हम लेके आएंगे, लेंगे वो। और ये दो पीस दो पेयर पड़े हुए हैं, ये तीन मादियां और एक नर है। तीन मादियां एक नार, मतलब कि ट्रायो से ज्यादा नहीं देते होते आप लोग, लेकिन एक मादी एक्स्ट्रा मिल रही है, किसी को चाहिए हो तो ले ले। भाई ग्रे पैरेट के ब्रीडर पेयर हमारे फार्म पर आए हैं, जिस भाई को चाहिए वो भी मिल जाएंगे। पुराने वाले वो चले गए, अभी नए वाले आए हैं सेकंड। ये कंफर्म ब्रीडर है जी जी माशाल्लाह। कितने पेयर आए हैं अपने पास? ये है कोई 20-25 पेयर हो गए, 20-25 बॉक्स बुक्स लगे हुए सब जी जी, सबके बॉक्स लगे हैं सब ब्रीडर। क्या हिसाब है इनका? 2,20,000 रुपए के हिसाब से मिलेगा एक पेयर। एज कितनी है? एज इनकी है 4 से 5 ईयर प्लस। सारे सेम एज के हैं कि डिफरेंट है? इसलिए 4 से 5 मतलब 4 से 5 की उम्र में हैं सारे, मतलब जवान ब्रीडर हैं। और उसके बाद काठा कूठे में क्या पड़ा हुआ है? फिलहाल एक ही है, वो ग्रीन रिंगनेक का एक पेयर है, येलो रिंगनेक है, सही है, और व्हाइट है, ये सारे इंशाल्लाह ताला मिलेंगे।
सही है और बहुत अच्छे क्वालिटी के वाले बेहतरीन है।